हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम को क्या हो गया, ये इतनी चुप क्यों थी। तो ये एक डेमो था आप लोगों के लिए कि आज मैं कोई किसी भी तरीके का कोई काम आप लोगों को दिखाने वाली नहीं हूँ। मैं आज आपसे सिर्फ बातें करूँगी, और उस बातों का सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है जो मैं अभी चुप थी कितने टाइम तक। तो मैं आप लोगों को देखिए जवाब देना चाहूँगी, मतलब मेरे जो बहुत ज़्यादा कितना प्यार करते हैं लोग मुझे, बट कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ना वीडियो पे बैठ बैठ कमेंट करते हैं, गलत सलत बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। और उसमें एक कमेंट सबसे ज़्यादा ये भी आता है, आप बहुत बोलती हैं, आप बहुत बक 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 करती हैं। तो अब आप सोचिए कि मैं अभी चुप थी तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कि आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं चुप थी तो आप लोगों को कैसा लगा। देखिए, मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, अब मैं सारे धीरे धीरे करके ना आपके वो उन क्वेश्चन के आंसर दूंगी जो मुझे गलत सलत क्वेश्चन करे गए हैं, ठीक है। मैं उसके आंसर दे रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि ये लोग जो लोगों ने मुझे इतने गलत गलत कमेंट करे हैं कुछ वीडियो पे, और वो लोग भी इसे देखें, और जो मुझे लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा और जो मुझे प्यार करते हैं वो लोग भी मेरी इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोग आगे जाके जब कोई मेरी वीडियो पर उल्टा सीधा कमेंट करे तो आप उसको आप लोग जवाब देना कि मैम के वीडियो पे आप इतना गलत सलत कमेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं अब आपको सबसे पहले तो इस वाले का क्लियर कर दूं, कई वीडियो पे ये टॉपिक ये कमेंट आता है, आप बहुत बकबक करती हैं, अरे भाई चुप हो जाओ, कानों में दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट किया है, मैंने उसमें आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश की है, आप लोग कुछ बताने की कोशिश की है, आप लोगों के लिए कुछ नॉलेज की चीजें आप लोगों के लिए मैं लेके आ रही हूँ, आपको कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मेरा इतना बिजी है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना बिजी वाला है, बट मैं उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि जितनी नॉलेज मुझे है वो नॉलेज मैं सब लोगों के साथ बांटूं। तो वो चुप रह के नहीं बटेगी, आप समझिए इस चीज को, चुप रह के मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। ऐसी वीडियो भी बहुत यूट्यूब पे है जिसमें पीछे म्यूजिक चलता रहता है और लोग काम करते रहते हैं। अब आप बताइए उन वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ में आता है। मैं खुद इस लाइन में हूं, बट मुझे अगर कोई मेकअप की वीडियो ऐसी देखती हूं मैं जिसके पीछे म्यूजिक चलता रहता है, समझाता कोई कुछ नहीं है, ओनली फॉर बस सामान पकड़ा, उठाया उठाया उठाया, लगाए गए, अब आप बताइए वो चीजें समझ में आती हैं, वो वीडियो से आप कुछ सीख सकते हो। वो वीडियो देखने में बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को लगेगा वाह कितना प्यारा मेकअप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देखने में बहुत अच्छी हैं, कुछ बुरा नहीं है उन लोगों में, टैलेंटेड लोग हैं वो भी जो अपना टैलेंट आप लोगों को दिखा रहे हैं, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बोल बोल के समझाएं, ठीक है। बट मैं उस चीज के साथ में भी देखिए मेरा अपना खुद का इतना बड़ा पार्लर है, मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूं, और मैं आप लोगों को बोल बोल के भी समझा रही हूं, करके भी समझा रही हूं, प्रोडक्ट दिखा के भी समझा रही हूं, फिर भी लोगों को कंप्लेन है, बहुत बकबक करती हैं। चुप रह के वीडियो नहीं बनेगी, चुप रह के कौन सी वीडियो बनती है आप मुझे बताइए। मैं पीछे म्यूजिक चला दूं और मैं काम करती हूं, वो वीडियो भी है मेरे चैनल पे, उस टाइप की वीडियो भी मेरे चैनल पे है। जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था तो मैं बोलती बहुत कम थी, क्योंकि देखिए एक कमेंट ये भी बहुत आता है, आप बोलने में बहुत मिस्टेक करती हैं। यस आई नो कि मैं बोलने में बहुत मिस्टेक करती हूँ, क्योंकि मैं पहले इस फील्ड में नहीं थी। मेरा जो फील्ड है वो मेरा आई टू आई कॉन्टैक्ट वाला फील्ड है, मतलब मुझसे लोग आते हैं, आंखों में आंखें डाल के मैं उन लोगों के बातें करती हूँ, उसमें मैं उन लोगों से कुछ भी गलत नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल सही सही बोलती हूँ, सारे वर्ड बिल्कुल सही यूज करती हूँ। बट एक हो गया कैमरे से बात करना, आप सोचिए मैं इस फील्ड में अभी आई हूँ, ओनली फॉर 4 मंथ हुए हैं मुझे अभी इस फील्ड में आए हुए, ठीक है, 5 मंथ अभी कंप्लीट भी नहीं हुए, और आप सोच सकते हैं मेरा चैनल 4 मंथ में इतना ज्यादा ग्रो कर गया, मेरे टैलेंट की वजह से ही कर गया, आप लोगों के प्यार की वजह से ही कर गया। तो मैं आप लोगों के लिए भी ऐसा कुछ, ये वीडियो मैंने ओनली फॉर मजबूरी में बनाई है, जब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं इरिटेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन के आंसर इतने नहीं दे सकती भैया, मैं इतने कमेंट के रिप्लाई नहीं कर सकती जितना कमेंट आप लोग मुझे करते हो, मुझे उनके उस कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना देती हूँ, बट मैं उस कमेंट की रिप्लाई पे अगर मैं जाऊँगी तो मुझे तो बहुत घंटे लग जाएंगे उसमें रिप्लाई करने में। और मैं देखिए मैं उस तरीके की लेडीज हूँ, मैं सामने बैठ के किसी से कितनी भी देर बात कर सकती हूँ, बट मैं मोबाइल पे टक 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 ये चीज़ें नहीं होती मुझसे, बहुत कम होती हैं। मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो आप देखते होंगे मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करती हूँ, ओनली फॉर वीडियो बनाती हूँ, उठाती हूँ और डाल देती हूँ। उस पर मुझे कई कमेंट आता है आपकी वीडियो धुंधली है, आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, मुझे पता है, और वो कमेंट मुझे अच्छे भी लगते हैं, यू नो ये कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब कोई मुझे बोलता है आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही,
आपकी वीडियो में ये चीज दिखाई नहीं दिया, वो चीज दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैं वो वीडियो जब मैं भी देखती हूँ ना, तो मुझे भी फील होता है कि हाँ ये चीज इन्हें दिखाई नहीं दी। दूसरा, अपना नेट खर्च कर रहा है, अपना टाइम खर्च कर रहा है, और मैं उसको जो चीज दिखाना चाह रही थी वो चीज उसको क्लियर से दिखाई नहीं दी, तो मैं बहुत सैड फील करती हूँ। फिर मैं उस वीडियो को दोबारा से किसी और उस तरीके से लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वो सही से दिखाई दे, ठीक है। तो ऐसे कमेंट तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप जब किसी भी वीडियो पे कुछ बैड कमेंट करोगे, मतलब बैड कमेंट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, ये बैड कमेंट नहीं होता है कि मैंने आपके सामने कोई मेकअप की वीडियो डाली, आपने उसमें मेकअप में ये बोल दिया कि ये बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं था मैम, आपने बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं किया मैम, बिल्कुल सफेद कर दिया आपने इसके मुंह पे, मतलब बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट कर दिया, कवरेज अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था, वो नहीं अच्छा नहीं था, ये तो हो गए एक नॉर्मली कमेंट जो होने चाहिए। इनकी भी मुझे जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में, मतलब मुझे अपना काम पे क्योंकि भरोसा है, मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है, तो हो सकता है एक होता है भरोसा और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, तो मुझे अपने काम पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। मैं किसी से भी ये नहीं कहती हूँ कि मैं इतनी ज्यादा समझदार हूँ कि जो मैं कर रही हूँ अगर मैं किसी को छू रही हूँ तो सही तरीके से ही छू रही हूँ, नहीं। अगर मैंने, हो सकता है आप लोगों को मेकअप पसंद नहीं आया हो, मैंने अगर 10 मेकअप अपनी चैनल पे डाले हैं तो उसमें से एक दो मेकअप आप लोगों को पसंद नहीं आएंगे, तो आप उन पर कमेंट कर सकते हो कि मैम ये मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बेस बिल्कुल अच्छा तैयार नहीं हुआ, कोई कवरेज नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। ये कमेंट हो गए नॉर्मल कमेंट जिनको इंसान झेल सकता है, बट कुछ कमेंट होते हैं जिनमें आप इतना बोलने के बाद मेरे लिए कुछ गलत शब्द यूज करते हो। अब आप सोचो कि वो गलत शब्द क्या हो सकते हैं, जिनने ये गलत शब्द यूज किए ना मेरे लिए, मैं उन लोगों को वॉर्न कर रही हूं, मैं आप लोगों को बता रही हूं मैं और यूट्यूबर की तरह नहीं हूं, ठीक है। मुझे उन यूट्यूबर की तरह बिल्कुल मत समझना जिनको ये लग रहा है कि अगर ये बैड कमेंट इस तरीके से, मतलब बैड कमेंट करिए बट गलत शब्द यूज मत करिए मेरे लिए कोई भी। अगर आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी गलत शब्द यूज किया ना, तो आप समझ जाइए कि मैं उस तरीके की लेडीज नहीं हूं कि चैनल चलने की वजह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी आंच आने दूंगी। मैं उस तरीके की लेडीज हूं कि अगर मेरे लिए कोई बैड कमेंट आप लोग करोगे ना, कुछ भी गलत शब्द अगर मेरे लिए आपने यूज करा, तो उसके लिए भी जो भारत का संविधान है ना, उसमें बहुत कुछ है एक्शन लेने के लिए। तो मुझे यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, कि मैं YouTube वालों से नहीं बोलूंगी कि YouTube वाले आके आप लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले, मैं खुद ले लूंगी चाहे मैं कितनी भी दूर बैठी हूं। आप इस चीज को ना समझ लीजिए, मैं आप लोगों को बता रही हूं। और आप लोग अगर ये सोचें कि मैंने क्या कहते हैं गलत आईडी बना रखी है हम लोगों ने और हमने फोटो भी गलत लगा रखा है अपना और मैम कैसे ढूंढेंगी, सब कुछ आता है दुनिया में, सब कुछ, सब चीजों का पता है। जब इंसान करने पे आता है ना, तो वो कुछ नहीं देखता है। मैं उस तरीके की भी नहीं हूं कि मैं पैसा भी देखूंगी, मैं पैसा भी नहीं देखूंगी। अगर मेरा आपको ढूंढने के लिए अगर मेरा पैसा भी खर्च होगा ना, तो मैं पैसा भी नहीं देखूंगी। कभी आप सोचो कि मतलब ये घर बैठ के आराम से बैठ के और बस देखती रहेंगी, हम गंदे गंदे कमेंट करेंगे और ये चुपचाप सुनती रहेंगी। तमीज के कमेंट करो, करो बिल्कुल करो, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि मेरा चैनल आप लोगों की वजह से भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा बोलने वालों की वजह से चल रहा है, जो लोग मेरे लिए गलत बोलते हैं उन लोगों के लिए भी चल रहा है। बट गलत शब्द यूज मत करो किसी की पर्सनैलिटी के लिए, कोई गलत शब्द यूज मत करो। मैं एक लेडी हूं, अगर कोई जेंट्स मेरे लिए कोई गलत शब्द यूज कर रहा है, एक जेंट्स ने मुझे एक कमेंट किया था, बदतमीज इंसान है वो, बिल्कुल उसके घर में हो सकता है, उसे अपनी खुद की बीवी बच्चों या फिर अपनी बेटी या फिर अपनी बहन, वो अपने घर पे भी इसी तरीके से क्या कहते हैं अपनी अपनी बीवियों के लिए इतने गलत गलत शब्द यूज करता होगा। तो उस इंसान ने मेरे लिए किया था, उसको मैंने कमेंट के थ्रू ही बहुत अच्छे करके जवाब दिया है, वो भी जान गया होगा और वो ये वीडियो मेरी देख भी रहा होगा। तो मैं उससे भी कहूंगी कि ये मत सोचना कि तेरे घर की बीवियां, अगर तुझे तेरे घर की मतलब बहनें, माँ और बेटी या फिर तेरी बीवी तुझे कुछ नहीं बोलती हैं, अगर तू ऐसे गलत सलत उन्हें बोलता होगा तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, मैं उस तरीके को घर से उठवा लूंगी। नहीं, मैं बता रही हूं, मैं बहुत बदतमीज लेडी हूं इस मामले में। अगर मेरे से किसी ने भी कोई बदतमीजी से शब्द यूज करा ना, तो मुझे ये मत सोचना कि मैं ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा, देश के विदेश, अरे कहीं भी हो, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूं, अगर आप कहीं बाहर के भी हो ना, तो मुझे ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, समझा। और मुझे इस चीज का भी बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा आपको ढूंढने में या क्या हो जाएगा, होने दो, क्योंकि मैं YouTube से जितना पैसा कमाती हूँ ना, उससे तिगना चौगना पैसा मैं अपने अपने खुद के बिजनेस से कमाती हूँ। मुझे उस चीज की YouTube से, मुझे पैसे के लालच की वजह से मैंने YouTube नहीं चलाया, मैंने अपने शौक के लिए YouTube चलाया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मेरे टैलेंट की जरूरत है, जिन लोगों को, मेरे पास दिन में कम से कम 50 फोन आते हैं इसी टॉपिक पे आते हैं कि मैम हमने जहां पे सीखा हमें सही से सिखाया नहीं, आपकी वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, अगर आप हमारे पास में होते तो मैं आप लोगों को आपके पास आके हम लोग कोर्स करते, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों को बोल देती हूँ कि मैं आगे कोशिश करूंगी अपनी वीडियो में और अच्छे से आप लोगों के लिए नॉलेज लाने की। तो मैं मेरे आप बताइए, मुझे इतनी दूर दूर से लोग मुझे कॉल करते हैं, तो मेरे अंदर अगर टैलेंट नहीं है तो क्यों मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं बताइए आप, मुझे इतनी दूर से मुझे कॉल कर रहे हैं, आने तक के लिए तैयार हैं, यहाँ पे मुरादाबाद यूपी में रहती हूँ मैं, मेरे यहाँ तक आने के लिए लोग तैयार हैं।
अब मैं उन लोगों को ये बोलती हूँ कि मैं आप लोगों के रहने वहने का इंतजाम कैसे करूंगी। भैया मैं यहाँ नहीं आओ आप, मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाती रहूंगी, क्योंकि आप सोचो कुछ लोग बेचारे बच्चे जो चाह रहे हैं, जिनको दिख रहा है ये चीज कि मैम के साथ में रह के हमारा फ्यूचर है, वो लोग सोचो यहाँ आने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं उन लोगों को बुलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने उन लोगों से क्लियर, और वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन लोगों को भी पता चला होगा कि मैंने उनको फोन पे क्या बोला। मैंने उनको फोन पे यही बोला कि देखिए आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को कोशिश करूंगी सारी चीजें समझाने की, और अच्छी अच्छी चीजें अपनी अपने काम में और ग्रो करने की कोशिश करूंगी, और क्लियर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। बट आप इधर आ जाओगे तो आपका यहाँ पर रहने का खर्चा भी होगा, प्लस मेरी फीस भी होगी, तो इतना पैसा आप खर्च करके, और सोचिए आप अपनी सिटी से थोड़ा दूर भी आ रहे हैं। भाई मैं अपने पार्लर चलाती हूँ बट मुझे बाहर का तो नहीं पता ना कि कौन किस तरीके का माहौल है, कहाँ आप कमरा लोगे, कहाँ आप रहने खाने का इंतजाम करोगे। तो सोचिए आप लोग अपना घर छोड़ छोड़ के मेरे पास आने के लिए तैयार हैं, और आप लोग मेरे लिए इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, ये लोग ना कुछ हैं, कुछ नाम मात्र 10-12 लोग होंगे बस, जो आई थिंक हर यूट्यूबर की वीडियो पे जाके इतना गलत गलत कमेंट करते हैं। सोचिए आप हर यूट्यूबर की, मैं तो सब यूट्यूबर को मैं फॉलो करती हूँ, सब यूट्यूबर को मैं देखती हूँ सबकी वीडियो, इतना परेशान है ना ऐसे ऐसे लोगों से यूट्यूबर, के वो लोग ये सोचते हैं यार हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालनी शुरू करी, हमने यूट्यूब पे चैनल क्यों चलाया। मैं ये नहीं सोच रही हूँ, मैंने यूट्यूब चलाया है, मैंने अपनी पसंद से यूट्यूब चलाया है, मैं अपनी मेहनत से इस चैनल को यहां तक लेके आई हूँ। अगर मेरे लिए कोई गलत शब्द यूज करेगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और YouTube भी हमें ये राइट देता है कि आप सोचो मेरे 75,000 से भी ऊपर के सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो लोग हमें ये राइट देते हैं कि अगर आप लोगों की वीडियो पे कोई गलत सलत कमेंट करे तो आप उसको रिप्लाई करो। बट रिप्लाई गलत शब्द से, गलत शब्द की रिप्लाई नहीं करूंगी मैं इतनी, मेरी इतनी गंदी वाली सोच नहीं है कि आप लोगों ने मेरे लिए कोई गलत शब्द यूज करा तो मैं उसके बदले में आपको गलत शब्द ही यूज करूंगी आप लोगों के लिए, मैं नहीं करूंगी। मेरी पढ़ाई लिखाई अलग तरीके की है, हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई अलग तरीके की हो, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस कैटेगरी के हो, कैसे माहौल में रह रहे हो, कि कितनी फ्रस्ट्रेशन आप लोगों के अंदर भरी पड़ी है, घर में आप लोग कितने परेशान हो, या हो सकता है लाइफ में कुछ कर ना पाए हो और दूसरा कुछ कर रहा है तो उसको करने के बजाय, उसको मोटिवेट करने के बजाय उसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं ये। मैं आप लोगों को बता दूं, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जिन जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और जो लोग परेशान हैं इस चीज से कि उनकी चैनल पे बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग और चाहते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी बिल्कुल चलाते रहो। ऐसे लोगों को तो हम लोग अपना टैलेंट दिखा दिखा के मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे, इन लोगों की वजह से हम अपने चैनल थोड़ी ना बंद करेंगे, ना हम अपने आप को दिखाना बंद करेंगे, ना हम अपना काम बंद करेंगे। ऐसे लोग तो वो वाली कहानी हो जाती है, एक कहावत है कि बस क्या बोलूं, क्या कहावत है बोल दूंगी तो गलत गलत वर्ड वाला ही आ जाएगा मुंह से, देखो निकल, हमारे तो मुंह से भी नहीं निकलेगा यार किसी के लिए कुछ ऐसा गलत शब्द ना। अब सोचो वो कहावत इतनी पुरानी है बट मैं बोल दूंगी तो अभी बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो जाएगा कि मतलब मैम आपने भी तो इतना गलत शब्द यूज कर लिया, लेकिन होने दीजिए, चलिए आप समझ जाइए कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती थी। बट हम लोग हम अपना काम करते रहेंगे, जिन्हें जो बकना है वो बकते रहेंगे, बट मैं उन बकने वालों को बता दूं कि आप बोलो, आप बैड कमेंट करो बट तमीज से, किसी की पर्सनैलिटी के लिए कोई गलत शब्द यूज मत करो। आप लोग बोलो कि आपका काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बकवास मेकअप था, ये था वो था, बट उसके आगे जो आप लोग लगा देते हो ना गलत गलत शब्द, अब आप सोचो मैं किन गलत शब्द की बात कर रही हूँ, ठीक है, आप जो उनके आगे गलत गलत शब्द लगा देते हो ना वो बहुत गलत शब्द हैं, वो आप लोगों को आई थिंक किसी के लिए भी नहीं बोलने चाहिए। सोचो मैं तो ये कह रही हूँ, चलो मैं तो आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को देखा भी नहीं है, और मैं इस पे अगर वीडियो पे नाम लेना शुरू कर दूं उन लोगों का तो वो भी गलत होगा, मैं नहीं लूंगी नाम क्योंकि पहली बार मैंने ये चीजें फेस की हैं, तो मैं नहीं किसी का भी नाम ले रही हूँ। बट आगे को अगर मेरा चैनल क्या कहते हैं मुझे इस तरीके के बैड कमेंट आए तो मैं उन लोगों के नाम लूंगी चैनल पे अपने, और उन लोगों के लिए बिल्कुल ठोस एक्शन लूंगी। इस बार तो मैं सिर्फ ओनली फॉर वार्निंग देके छोड़ रही हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूं जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं उन लोगों को फुल परमिशन दे रही हूँ, अगर मेरे लिए मेरी वीडियो पे कोई बैड कमेंट करता है तो आप लोग उसे ना बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दो उसी टाइम पे उसको कमेंट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मैं तो उस कमेंट को बहुत दिन बाद पढ़ती हूँ, मैं तो कम से कम सोचो आज कोई कमेंट कर रहा है तो मैं उसको 2-3 दिन बाद तो उस कमेंट को पढ़ पाती हूँ। आप लोग अगर उस कमेंट को उसी टाइम पे हैंड टू हैंड पढ़ रहे हो, आप लोगों को आपकी दिमाग में या नॉलेज में वो आ गया, आपको पता चल गया कि मैम के वीडियो पे इस तरीके का कमेंट हुआ है, उसको उसी टाइम पे ना इतना मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और कोई अगर आपके लिए कुछ बोलेगा ना तो मैं हूं आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मैं बहुत फ्री तरीके की लेडीज हूं, मैं बहुत क्या कहते हैं फंकी टाइप की लेडीज हूं यार, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं अपना टैलेंट आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरा चैनल इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं। ऐसे लोग तो हमें चलिए हमारे पार्लर पे भी मिलते हैं, बट क्या होता है वो हमारे सामने हमें कुछ गलत नहीं बोल सकते ना, हमारे काम को ही तो गलत बोल देते होंगे, बट हमारे सामने हमें ऐसा गलत शब्द तो यूज नहीं कर सकते,
नहीं तो मैं तो सच्ची में अगर मेरे पार्लर पे आके कोई मुझे ऐसा गलत शब्द यूज कर दे तो मैं तो पकड़ के सही कर दूंगी उसको, 3-4 थप्पड़ तो पड़ ही जाएंगे उसके। ठीक है, तो सामने तो कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है किसी को कुछ कहने की। ठीक है, वो तो भाई देखो आजकल प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी पीठ पीछे उल्टा सीधा सब बोलते रहते हैं। ठीक है, सामने तो उनके कोई कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं भी उसी तरीके से मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि यार पीछे तो सब लोग, दुनिया एक दूसरे को गलत सलत बोलती है, बट सामने थोड़ी ना बोल सकती है। बट देखो मुझे पीछे का भी सिर्फ बैड कमेंट बुरे नहीं लग रहा है, बैड कमेंट के साथ में जो आप गलत शब्द यूज करते हो ना किसी की पर्सनैलिटी के लिए, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो प्लीज़ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, और मैं सच्ची में बता रही हूँ मुझे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी अपने चैनल पर, बिल्कुल भी, बिल्कुल मत देखिए आप मेरी वीडियो, बिल्कुल मत देखिए। जिन लोगों को मेरे अंदर कोई टैलेंट नजर नहीं आता है ना, वो अपने घर बैठो मेरी वीडियो नहीं देखो बिल्कुल भी, अनसब्सक्राइब करो अभी मेरे चैनल को। जिन लोगों ने को मेरी वीडियो बिल्कुल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल गलत सलत उन लोगों को दिखा रही हूँ, उन लोगों को आज के बाद उन लोगों का कमेंट ना मेरे वीडियो पर आ नहीं जाना चाहिए, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल अनसब्सक्राइब करो अभी मेरे चैनल को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों को यूजफुल वीडियो नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल बकवास वीडियो दे रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो। और मुझे आप लोगों की, ऐसे ऐसे लोगों की मुझे अपने चैनल पर जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं बता रही हूँ, मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है, इतने अच्छे अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं कि सोचो मेरा मन करता है कि मैं उनकी सारे जितने भी कमेंट वो लोग करते हैं ना, हर कमेंट की रिप्लाई दूं, बट मैं क्या करूं, उन लोगों को हार्ट सेंड कर देती हूं, और मैं पता है ऐसे लोगों को भी हार्ट सेंड कर देती हूं। मेरी अच्छाई देखो आप, कि जो लोग ये गलत गलत कमेंट करते हैं ना, मैं इन लोगों को भी हार्ट सेंड कर देती हूं, ताकि उसको देख के भी सीखें कि इन लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और सोचो मैं किस काबिल नहीं हूं भाई, मैं जो मैं आप लोगों को उस चीज पे भी हंस के डाल रही हूं बात को, बट ज्यादा अति हो रही है यार, ज्यादा ही अति हो रही है। 2-3 लोगों ने तो इतने गलत गलत शब्द यूज करे हैं मेरी पर्सनैलिटी को लेके, कि मन कर रहा था कि अगर सामने आ जाए ना तब मैं उनको बताऊं, जरा बोल के दिखाए मेरे सामने कुछ, हद हो गई यार बिल्कुल ही। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग भी एक्शन लिया कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर कोई गलत सलत आप लोगों की नॉलेज में आ रहा है कि किसी को मैम ने इतना गलत कमेंट कर दिया है, तो बिल्कुल आप उसकी रिप्लाई कीजिए, और मुझे बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उन लोगों के लिए ही ये चीज बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों को, आप लोगों के सपोर्ट से ही यहाँ तक आई हूँ, आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ मैं, आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक चुन के ला रही हूँ, जिन चीज़ों की सोचो इतने बिजी शेड्यूल से मैं टाइम निकालती हूँ, और आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो आप लोगों को दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप ना सब कुछ अच्छे से रखिए, सब कुछ चैनल को अच्छे से चलने दीजिए, आगे फ्यूचर में आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत यूजफुल होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।